आज बात करने वाले हैं वक्री शनि के बारे में। दरअसल इसी वर्ष 2023 में 17th ऑफ जून 17 जून को शनि वक्री हो गए थे और अब जाकर 2023 में ही आने वाले 4 नवंबर 2023 को शनि वक्रकाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो तुरंत दिमाग में आता है, आखिर वक्री होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्री या रेट्रोग्रेड? वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल, उल्टा चलना। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वास्तविकता में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस ऐसा महसूस होता है कि वो उल्टा चल रहा है। शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वक्री होने का मतलब है ग्रह जहां बैठा है अब वो उसके पीछे भी देख सकता है। जैसे शनि जब जिस भी भाव में बैठे हैं तो उस भाव से शनि के पास तीन दृष्टियाँ होती हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से तीसरा घर देखते हैं, सातवां घर देखते हैं और दसवां घर देखते हैं। वक्री होने की कंडीशन में शनि क्या करते हैं, एक तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और दूसरा वो जहां बैठे हैं उससे एक घर पीछे भी देख लेंगे और जस्ट एक घर आगे भी देख लेंगे, यानी दो भाव और एक्टिव हो जाएंगे और शनि भी और पावरफुल हो जाएंगे। अब इनका 12 राशियों और 12 लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, एक एक करके चर्चा करेंगे। वहीं पर मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर दूंगा कि वक्रकाल के दौरान कौन सी चीज़ें हो रही थी और मार्गी होने पर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ग्रह का वक्री होना या मार्गी होना ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग राशियों के लिए। किसी राशि के लिए शनि का वक्री होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और किसी राशि के लिए शनि का मार्गी हो जाना बहुत अच्छा माना जाएगा। अब कौन कौन सी राशियों के लिए शनि का मार्गी होना बेहतर है, कौन कौन सी राशियों के लिए शनि का वक्री होना ज़्यादा बेहतर था, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर गोचर ग्रह प्रभाव के पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप कोई गोचर का राशिफल देखा करिए तो उसको दो तरह से देखा करिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर आपको लग्न से प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि से प्रभाव अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो ये मान के चलिए कि इसका रिजल्ट आपको नॉमिनल मिलेगा, मीडियम। अगर आपको लग्न से रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि से भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तब आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लग्न और राशि दोनों से ही गोचर का प्रभाव अच्छा नहीं मिलने वाला तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 99% ये गोचर आपको खराब रिजल्ट लेकर आ रहा है और आपको परेशान कर सकता है। अब राशियों की सीरीज़ में सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये मेष राशि जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसी की बात कर लिया जाए तो आपकी राशि से शनि 11th हाउस में यानी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए जब शनि अभी वक्री थे तो वक्रकाल में पता है आपके साथ क्या हो रहा था, शनि एक घर पीछे जहां ये 10 नंबर लिखा है यहां का भी रिजल्ट एक्टिव कर दिए थे और यहां का भी रिजल्ट एक्टिव कर दिए थे। और शनि के पास ऑलरेडी तीन दृष्टियां होती हैं तो ये बात तो तय है कि शनि जहां बैठे हैं 11वें भाव में वहां से वो आपके लग्न को तो देख ही रहे थे और अभी भी देखेंगे, यानी तीन तो मूल दृष्टियां होती हैं उनके पास। जहां बैठे हैं वहां से तीसरा यानी लग्न, सातवां यानी पंचम और दसवां यानी अष्टम, इन भावों को वो वक्री होने पर भी देख रहे थे और मार्गी होने पर भी देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेष राशि वालों के लिए क्या बेहतर था, वक्री होना या मार्गी होना? तो जिनकी भी मेष राशि है, मतलब अगर आपका आपकी जो जन्म कुंडली है वो एक नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर एक नंबर लिखा है तो भी ये राशिफल आपको देखना है। आपके लिए शनि का जो ये वक्रकाल है ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं था और मार्गी हो जाना भी आपके लिए बहुत बेहतर है। जैसा मैंने कई वीडियोज़ में ये चीज़ कही है कि मेष राशि वालों को अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि आपके भाग्य का स्वामी आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं और इसके बाद आने वाले 2024 में जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन भी करेंगे तो वो धन भाव में चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लग्न से हर दिन या हर महीने तो गोचर करता नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक कोई आपको टाइम चाहिए होता है और वो टाइम आपको कम मिलता है। अब शनि जो कि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मेष राशि वालों को मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी आज भी कह रहा हूँ, ये टाइम आपकी ग्रोथ के लिए है और इस दौरान आप जितनी ग्रोथ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब ये बात सच है कि शनि जब वक्री थे तो उन्होंने एक घर आगे यानी 12वें भाव और एक घर पीछे 10वें भाव के रिजल्ट को देना शुरू कर दिया था। 12वें भाव का शनि रिजल्ट जो कर रहे थे उससे ये चीज़ हो सकती है कि आपके खर्चों में वृद्धि हुई हो, परेशानियों में ट्रैवलिंग की हो उसमें आपको दिक्कत हुई हो, या बेसिकली थोड़ा संघर्ष लाइफ में बढ़ा हो, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन शनि वक्री होने पर मजबूत हो जाते हैं और लाभ भाव से जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है और गोचर करता है तो ये आपके इनकम के लिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर दो लाइनों में कहा जाए तो आपका शनि का वक्री होना बहुत अच्छा था, मार्गी हो जाना भी आपके लिए बेहतर है, परेशानी वाली बात नहीं। मेष राशि वालों को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है राहु के ऊपर, क्योंकि राहु आने वाले 30 अक्टूबर के बाद आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे और सिर्फ ये अकेले राहु ही हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप इन्हें किसी तरह कवर कर लें तो इसके बाद
शनि भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और गुरु तो आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। यानी भाग्य, कर्म और आपकी इनकम, ये तीनों चीज़ों का समन्वय आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। अब शनि जो कि लाभ भाव से गोचर कर रहे थे, मार्गी हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपके जो खर्च होंगे उनके ऊपर आपका नियंत्रण हो जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी जो कि उनकी नीच दृष्टि है। तो एक बात तो तय मानिए कि इस दौरान अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या मैं जहाँ खड़ा था मैं आज भी वहीं हूँ, सब लोग मुझसे आगे ले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, या मेरे काम बहुत डिले हो रहे हैं, तो ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में है तो परेशान ना होइएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। शनि लग्न में और ऊपर से नीच राशि की दृष्टि में देखेंगे तो ये चीज़ नॉर्मल है। जैसे ये इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आएँ, इन ख्यालों को किनारे हटा दीजिए। इस टाइम पर आपको ये सोचना है कि मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और इसी टाइम पर मैं मेहनत करके वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, जो इसके अलावा बाकी टाइम में आप नहीं कर सकते। लाभ भाव से पावरफुल शनि का गोचर ये बहुत अच्छा है। इस दौरान जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी वो देखेंगे कि अच्छी खासी उनको उनकी लाइफ में जॉब मिल गई। जो जॉब में है ऑलरेडी उनके लिए प्रमोशन का चांसेस हैं। जॉब स्विच करने के लिए अभी मेरे हिसाब से आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि लग्न में होना और 30 अक्टूबर से राहु का 12th हाउस में गोचर करना, जिस जॉब में आप हैं कोशिश करिए कि इसी जॉब में आप प्रमोट हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं इस बिज़नेस को बिल्कुल स्विच ना करिए, चेंज ना करिए, उसी बिज़नेस को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, आपको 100% लाभ देखने के लिए मिलेगा। 11वें में बैठे शनि 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को यानी 5th हाउस को देखेंगे। रिलेशनशिप के लिए तो देखिए ये अच्छा नहीं है, और अपनी भी हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शनि जब आपके 5th हाउस को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं देते शनि, बस ये है कि आपकी हेल्थ में और इन सारी चीज़ों में थोड़ा खर्च बढ़ जाते हैं। अगर आप खाने पीने का ध्यान रखें तो आप इसके ऊपर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। अष्टम भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस दौरान आपका 2 दिन का काम 3 दिन में होगा और आपको मेहनत दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूं कि इस दौरान अगर आपको ऐसा देखने में आता है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तब भी मुझे रिजल्ट कम मिल रहा है, तो परेशान ना होइएगा। जब शनि अपनी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं यानी इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो शनि जो देते हैं वो शनि लंबी रेस का घोड़ा, मतलब धीमे धीमे सही लेकिन आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें देते हैं। तो 11वें भाव यानी लाभ भाव से शनि का गोचर हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। बस आपको 12वें भाव में गोचर कर रहे राहू का उपाय करते रहना चाहिए। और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपको शनि, मंगल, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों को एक साथ कंट्रोल करना है, एक साथ इनके पॉजिटिव रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि केवल एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट भगवान की पूजा कर लेंगे, फिर भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप अपने जॉब को 10 घंटे देते हैं, आप अपने बिजनेस को 10-10, 15-15 घंटे देते हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ से 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालना ही चाहिए। तो कोशिश करिए इस दौरान कम से कम 11 हनुमान चालीसा के पाठ आप डेली करें, और 11 नहीं कर सकते तो 7 से नीचे तो करिए ही नहीं, कम से कम 7 पाठ हनुमान चालीसा के आपको डेली करना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दर्शन के लिए आपको जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाकी इसके अलावा शनि का जो वक्रकाल था वो भी आपके लिए अच्छा था, और अभी जो गोचर है शनि का, मतलब मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से, वो भी अच्छा है। इस दौरान आप अपनी इनकम यानी आमदनी के लिए अलग अलग रास्ते खोज लेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी लाइफ विकास की तरफ जाएगी, मतलब जीवन अब आपका विकास की ओर बढ़ रहा है। जो चीज़ें आपके पास नहीं थी, जिन चीज़ों की कमी आपने अपनी लाइफ में झेली, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। आप अगर जॉब में हैं तो प्रमोट होंगे, अगर आपको जॉब नहीं थी आपके पास तो जॉब होगी, काम नहीं था आपके पास तो काम होगा। अगर आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये सारे काम करते हैं, और ये सारे काम आप मतलब प्रोफेशनली करते हैं कि आपको नॉलेज भी है इन फील्ड में और आप काम करते हैं, तो करिए। बस ये याद रखिएगा कि 12वें भाव से राहु का गोचर है, तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे मत करिएगा। इसके अलावा लाभ के लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, आपको वक्रकाल में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, थोड़े खर्च वगैरह बढ़ गए थे, वो सारी चीज़ें हम नियंत्रण में आ जाएंगी, और अब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फोकस करिए राहु के ऊपर और कर्म करते रहिए, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं, लग्न में देख रहे हैं, वो मेहनत करवाए बिना आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मेहनत से जीना चुराइए, मेहनत करिए, और आप देखिएगा कि इसी दौरान आपको बहुत अच्छी सफलता देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। अब अगर मेष राशि की बात कर लें, वृषभ राशि की, तो देखिए जिनकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है, या जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 2 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से शनि का गोचर हो रहा है 10वें भाव में, और मैंने कई बार बताया है वृषभ राशि वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और आ भी रहा है गोल्डन पीरियड, क्योंकि राहु जो है वो आपके एकादश भाव से गोचर करना शुरू करने वाले हैं 30 अक्टूबर से। अब शनि जब वक्री थे तो शनि ने एक घर पीछे यानी भाग्य का भी वो फल दे रहे थे, एक घर आगे यानी लाभ भाव का भी वो फल दे रहे थे,
और इसके अलावा शनि के पास तीन दृष्टियाँ हैं। तीन दृष्टियाँ मतलब शनि तीसरी दृष्टि से आपके बारहवें भाव को देखेंगे जो कि उनकी नीच राशि है, सातवीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे जिसे सुख का भाव कहते हैं, और दसवीं दृष्टि से आपके सेवेंथ हाउस को देखेंगे जहाँ से आप व्यापार और विवाह का भी विचार करते हैं। दसवें भाव में शनि का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। ये समझ लीजिए कि ये वो गोल्डन पीरियड चल रहा है जो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए तो नहीं मिलने वाला, तो ये इस दौरान खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और जब आपको सफलता मिले तो सफलता का कभी घमंड मत करिएगा। देखिए, शनि का वक्री होना भी आपके लिए बहुत अच्छा था और शनि का मार्गी होना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों कंडीशन में आपको नहीं सोचना। भाग्य का स्वामी कर्म से गोचर कर रहा है, धर्म कर्माधिपति योग इसे कहते हैं। भाग्य और लाभ दोनों का जो शनि है वो दोनों का ही रिजल्ट आपको दे रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए और बढ़िया। यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि बारहवें भाव में पड़ रही है, किसी लीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो ये कोशिश करिएगा कि आप किसी के साथ गलत ना करें। कोर्ट कचहरी इससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें आप परेशान हैं, शनि आपको बाहर निकालेंगे, आपको जीत दिलाएंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप गलत ना हों। अगर आपने गलत किसी के ऊपर कोई जो है नहीं कहते हैं गलत इल्ज़ाम लगा दिया है, गलत चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, तो शनि यहाँ से आपका सपोर्ट खींच लेंगे अपना, और फिर आपको कोर्ट कचहरी, लीगल मामले, खुद की हेल्थ, इन सारी चीज़ों से जुड़ा पैसा आपका बहुत खर्च होगा। तो मेक श्योर कि इस दौरान आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। दसवें भाव में शनि का गोचर कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। इसी टाइम पे आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपके आसपास के लोग आपको जो नहीं भी जानते वो जानने लगेंगे। समाज में अपना नाम बनाना, खुद के दम पे अपनी पहचान बनाना, यानी कोई ऐसा काम करना कि आसपास के दूर दूर के लोग आपको जानने लगें कि अच्छा ये वो इंसान है जिसके बारे में हमने सुना या पढ़ा था। अपने वर्क प्लेस में चाहे प्रमोशन हो, चाहे कोई नया काम स्टार्ट करना हो, चाहे आपको दूसरी कोई जॉब स्विच करनी हो, या फिर हाँ, जॉब स्विच करने के पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि की नीच दृष्टि बारहवें भाव में है, जॉब तब तक मत स्विच करिएगा जब तक दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना हो। तीसरी दृष्टि से बारहवें भाव को देखेंगे, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखें और सही टाइम पर सही फैसला लें, किसी को परेशान ना करें, अपने स्वभाव को शांत रखें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप जिन जिन चीजों में परेशानियों में फंसे हुए थे वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चौथे भाव में शनि की दृष्टि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी है। इस दौरान शनि के वक्री होने या मार्गी होने का जो भी ये टाइम पीरियड चल रहा है, शश नामक महापुरुष राजयोग वाला, इस दौरान आपको अपने लिए प्रॉपर्टी बनानी ही बनानी है। जिन लोगों के पास घर नहीं है या खुद की गाड़ी नहीं है और वो ये सोचते हैं कब वो टाइम आएगा जब हम अपने खुद के घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें बना पाएंगे, तो ये वही टाइम चल रहा है जिस दौरान आप अपनी मेहनत से अपने लिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हाँ, चौथे भाव में शनि की दृष्टि थोड़ा शांति भंग करने वाली तो होती है। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके पास पैसा भी है तब भी आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही, या घर में आपके नेगेटिव माहौल हो रहा है, या मदर से आपका मनभेद, मींस मदर से आपका थोड़ा सा कंट्राडिक्शन चल रहा है, तो कोशिश करिए कि आपकी जो मदर हैं, माँ हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें और उनसे आपका कोई मतभेद या मनभेद ना हो। इसके अलावा ये सुखों की वृद्धि करने वाला है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ऑल ओवर भी अगर वृषभ राशि की बात किया जाए तो आप यही सुनेंगे कि जब से राहु का गोचर आपके 11th हाउस से होने की बात हुई है, तब से एक चीज़ सभी लोग जो बोल रहे हैं और जो कि एक्चुअली होना ही है कि आपका ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये टाइम पीरियड 90% आपके फेवर में है। तो इस दौरान जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ के करें, जिन कामों की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आगे बढ़कर उस काम को करने की कोशिश करें, रिजल्ट जबरदस्त आपको मिलेगा। शनि की एक दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है। जो लोग नया व्यापार करना शुरू करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राहु जहां आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी काम जो आप शुरू कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी और अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है। इस दौरान आप खूब पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, आपका जो ऑरा है या आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो और उभर के लोगों के सामने आएगी। आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेंथफुल महसूस करेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हुए थे उनके लिए भी बेहतर चांस है। अगर वो कुछ नया इनिशिएट करना चाह रहे थे, लाइक किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे या कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनको जी जान से लग जाना चाहिए। ये टाइम में आपको मन मुताबिक हर चीज़ मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि शनि चौथी दृष्टि से सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो घर की शांति भंग होगी। इसी तरह जब वो दसवीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो मैरिड लाइफ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैरिड लाइफ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी मैरिड लाइफ शांति से चले और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रख के चलना चाहिए। बाकी ये टाइम समझिए 99.9% आपके फेवर में है और बहुत अच्छा टाइम है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भाग्य के बदौलत या भाग्य के दम पे हर एक काम में आपको 2% एक्स्ट्रा सफलता मिल जाना, ऐसा ही टाइम पीरियड चल रहा है। अपनी कुंडली एक बार देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में अकारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा वगैरह तो नहीं चल रहा। योगिनी दशा भी चेक कर लीजिएगा एक बार कौन सी चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय
कर लेने चाहिए। जो उपाय मैंने मेष राशि के लिए बताया था, सेम यही चीज़ वृषभ राशि के लिए भी कहूँगा कि कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा के डेली आपको करने चाहिए। मंगल और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। इससे ये रिजल्ट आपको और इन्हेंस होकर और बढ़कर मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अब वृषभ राशि के बाद अगर बात करें मिथुन राशि, जिनकी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है या जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, उन्हें उनकी राशि से शनि का गोचर जो है अपने ही घर से भाग्य भाव में होने जा रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए एक बात जो मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि ये चीज़ आपको या तो 30 साल बाद देखने के लिए मिली है या अब 2025 के मिड के बाद 30 साल और लगेंगे ये आपको ग्रह दशा देखने के लिए। अब जब शनि वक्री थे तो शनि 10th हाउस का रिजल्ट भी दे रहे थे और 8th हाउस का रिजल्ट भी दे रहे थे। 10th हाउस का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है आपके वर्क प्लेस के लिए, लेकिन 8th हाउस का रिजल्ट दे रहे थे तो थोड़ी सी आपकी परेशानियां, थोड़ा संघर्ष बढ़ गया था। मींस किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ रही थी, वो चीज़ें अब सही हो जाएंगी। जब 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे, शनि की तीसरी दृष्टि जो क्या क्या लाभ भाव में पड़ेगी, शनि की 7वीं दृष्टि जो आपके 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में पड़ेगी और 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी। भाग्य भाव में शनि का गोचर खुद की मूल त्रिकोण राशि से, ये वो टाइम चल रहा है जब आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा और आपसे कहेगा कि हाथ पकड़ो मैं तुम्हें आगे खींच लूँगा। तो उसको समझिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आपका कोई भी काम आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। शनि जब किस्मत को रूल करते हैं तो एकदम चीज़ें तो नहीं देते, लेकिन देते हैं और जब देते हैं तो बहुत बड़ा चेंज देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव से पड़ने जा रही है, लाभ के मामले में ये अच्छा है। ये चीज़ अच्छी है कि भले ही शनि की नीच दृष्टि है लेकिन लाभ के मामले में शनि कोई कंजूसी नहीं करते और आपको अच्छा खासा लाभ दिला देंगे। तीसरे भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छी नहीं है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहें और ट्रैवलिंग वगैरह भी अगर आप करते हैं, आपका वर्क फील्ड इस तरह है जो आपका फील्ड वर्क है, तो उसमें अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। बाकी आप इफर्टिव रहेंगे इस टाइम पर, स्ट्रेंथ जो है आपकी वो बढ़ जाएगी और आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उस मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक दृष्टि शनि की पड़ेगी आपके 6ठे भाव में। जब शनि किस्मत से बैठ के 6ठे भाव को देखते हैं तो आपके इस दौरान आपके आसपास जितनी मुसीबत या परेशानी या कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो कर्ज हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप कुछ बनना चाह रहे हो, यानी कोई भी चीज़, गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, किसी से आपका कॉम्पिटिशन हो रहा हो, हर एक चीज़ में आप किस्मत की बदौलत सभी लोगों से 2 कदम आगे चलेंगे। सभी लोगों से 2 कदम आप 100% आगे चलेंगे। दूसरी चीज़, आप ये देखिए आपकी राशि से गुरु का गोचर भी 11th हाउस में होने जा रहा है और 11th हाउस का मतलब ये कर्म भाव का स्वामी। देखिए भाग्य का स्वामी भाग्य में और कर्म स्वामी एकादश में, बहुत अच्छी स्थिति है। तो कुल मिला के वृषभ लग्न और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए ये समय शनि का वक्री होना भी कुछ बहुत परेशान करने वाला नहीं था, मार्गी होना भी परेशान करने वाला नहीं है। तो इस दौरान आप अपनी किस्मत के दम पे आगे बढ़ेंगे, नए नए रास्ते खोजेंगे अपनी इनकम के लिए, आपके अंदर एफिशिएंसी की वृद्धि हो जाएगी, आप कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे जो आपने पहले नहीं किया या आप बहुत टाइम से करने के लिए सोच रहे थे, आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, कुछ ना कुछ कर गुजरने का टाइम चल रहा है जिससे आपको लोग न सिर्फ जानें बल्कि आपके प्रति लोगों के अंदर एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप हो, यानी वो एक नए नज़रिए से आपको देखना शुरू करें। 6ठे भाव में शनि की दृष्टि, नो डाउट जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को, इवन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। कहते हैं कि जब किस्मत सपोर्ट करे तो फिर ऐसा कुछ नहीं जो इंसान पा ना सके। तो बस यही समझ लीजिए कि ये किस्मत वाला समय चल रहा है और इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। खूब इफर्ट डालिए, प्रयास करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जॉब वालों के लिए भी, जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है, जिनकी प्राइवेट जॉब है उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है, जो खुद का कोई बिजनेस कर रहे थे स्पेशली शनि से जुड़ा कोई व्यवसाय कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के मिथुन लग्न और मिथुन राशि, इन दोनों के लिए शनि का जो ये गोचर है ये कहीं से नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, हर तरह से आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है और भाग्य के दम पे आपका लगभग हर काम इससे पूरा हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखनी, अकर्मण्य नहीं रहना है, क्योंकि जैसे ही शनि ये देखते हैं कि आप कोई इफर्ट नहीं डाल रहे, बस आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वहीं पर शनि आपको सारा कुछ देना बंद कर देंगे और आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल फेज में लाकर खड़ा कर देंगे, जहां पे आपको लगेगा तो कि सब कुछ मैं कर सकता हूं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो मेहनती बनिए, यानी इफर्ट डालिए। जो उपाय मैंने मेष लग्न और वृषभ लग्न यानी इससे पहले बताए हैं, वही आपके लिए बताऊंगा कि कम से कम 7 या 11 पाठ डेली हनुमान चालीसा के आपको करने चाहिए। मंगल और शनिवार हनुमान जी के दर्शन में आपको जाकर हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। इससे आपका जो ये गोचर है ये और बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। मिथुन राशि के लिए के बाद अगर बात करें कर्क राशि की, आपकी राशि से शनि का गोचर जो है हो रहा है 8ठे भाव में खुद की राशि में, और शनि जब यहाँ वक्री हुए थे तो उन्होंने एक घर पीछे यानी 7ठे भाव का फल देना शुरू कर दिया था और 9वें भाव का फल देना शुरू कर दिया था। शनि की एक तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में यानी दूसरे भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके
पंचम भाव में पड़ रही है। देखिए आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के लिए शनि कारक नहीं होते। अष्टम भाव में शनि का गोचर ही ये दिखाता है कि वक्र काल के दौरान आपका संघर्ष और बढ़ गया होगा, मेहनत और बढ़ गई होगी, और मार्गी होने के बाद भी आप कुछ बहुत अच्छा उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा, क्योंकि अष्टम से शनि के गोचर का ही यही मतलब है कि आप किसी भी काम में जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपको ये लगने लगेगा कि पता नहीं इस काम में मुझे सफलता मिलेगी भी कि नहीं, बस उस दौरान फिर आपको सफलता मिलना शुरू होगी। दसवें भाव में शनि की दृष्टि कार्यक्षेत्र में रगड़ने वाला काम चलता है, इस दौरान ज़्यादा मेहनत कम रिजल्ट ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी। एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके साथ भाग्य का स्वामी कर्म में गोचर कर रहे हैं, यानी गुरु जो कि भाग्य के स्वामी होते हैं वो इस दौरान आपके कर्म में गोचर कर रहे हैं केंद्र में, और ये बहुत अच्छा है। ये स्थिति ऐसी है कि शनि जो कि आपके एट्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं वो भले आपसे संघर्ष ज़्यादा करा लें लेकिन लास्ट में आपके सारे काम बन जाएंगे। यहाँ से शनि की एक दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी, वाणी का ख्याल रखना है, दूसरों से बातचीत करते वक्त आपकी वाणी को हार्श नहीं होने देना। परिवार में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो कोशिश करिए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि परिवार में विवाद बढ़ने के चांसेस हैं, या मे बी आपको लोग ब्लेम करने लगें, या आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाए और आप संघर्ष आपका और बढ़ जाए और फिर भी आपको उतनी अच्छी अर्निंग ना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस इशू इस तरह की चीज़ें चली आ रही थी जिनको आप सोच रहे थे कि आप कब टैकल करेंगे, उनमें तो अभी देखिए कोई बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रही अंतर। हाँ ये है कि गुरु की एक दृष्टि जरूर दूसरे भाव में पड़ रही है, तो जिस वजह से कुछ चीज़ें शुरुआत में परेशान करने के बाद लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट कर जाएंगे। पंचम भाव में शनि की दृष्टि जो कि अष्टम भाव से पड़ रही है ये दिक्कत है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, उनसे अपने रिलेशन का ख्याल रखिए। रिलेशनशिप इशू यानी रिलेशनशिप की चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और अगर आपका जो वर्क फील्ड है वो किसी क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ा हुआ है लाइक एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो इन सारी चीज़ों में करियर में ग्रोथ होगा लेकिन बहुत धीमे धीमे। कुल मिला के अष्टम भाव में खुद की राशि में शनि का गोचर करना एक चीज़ में प्लस पॉइंट देता है, और वो ये कि शनि शुरुआत में आपसे खूब मेहनत कराएंगे, और जब आपको ये लगने लगेगा कि सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा, तब आपके काम बन जाएंगे। अपनी कुंडली को एक बार खोल कर देखिए, उसमें किसी अकारक ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही, अगर चल रही हो तो उसके अकॉर्डिंग उपाय जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि आप कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं, आपके भाग्य भाव में गुरु की राशि बनी है और गुरु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस दौरान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले तो विष्णु आराधना करिए, विष्णु जी के बीज मंत्रों का या विष्णु जी के किसी भी तरह के स्त्रोत मंत्र का पाठ करिए, और शनिवार टू मंगलवार पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जरूर जलाया करिए, वहाँ जाकर कुछ देर बैठा करिए, विष्णु जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिएगा, मंगल और बार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी आपको जाना है। ये गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा, तो इसलिए गोचर आपको मेहनत कराने के लिए आ रहा है, तो आपको मेहनत करनी है और नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाने हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना। इस टाइम पर आपको केवल कर्म करना है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है और वो आपको जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा, बस शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब कर्क लग्न के बाद अगर बात किया जाए सिंह लग्न या सिंह राशि की, जिनकी भी जन्मकुंडली 5 नंबर से शुरू होती है या जिनकी भी जन्मकुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठे हुए हैं, उनको ये राशिफल देखना है। और अगर बात किया जाए आपकी जन्मकुंडली में शनि 7th हाउस में खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न और राशि के लिए भी शनि कारक नहीं होते, और यहाँ से शनि जब गोचर कर रहे थे वक्री होकर उन्होंने एक घर पीछे यानी 6th भाव और एक घर आगे यानी 8th भाव का फल देना भी शुरू कर दिया था। शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, शनि यहाँ से बैठ के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं 3री दृष्टि से, 7th दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं और 10th दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। अब ऐसा कोई लग्न या राशि जहाँ पर शनि कारक नहीं होते तो यहाँ पर शनि की दृष्टि से भी कोई बहुत उम्मीद लगाकर नहीं बैठा जा सकता। लेकिन एक चीज़ ये भी सही है कि गोचर तो वो अपनी राशि से ही कर रहे हैं, भले सिंह लग्न हो सिंह राशि हो लेकिन गोचर तो उनका कुंभ राशि से है और केंद्र में बनी हुई राशि है, तो शश नामक महापुरुष राजयोग तो बन ही रहा है। दोनों कंट्राडिक्शन वाली चीज़ें, आप कह देंगे एक तरफ बोल रहा है कि शश नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं लग्न में कारक नहीं है, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? रिजल्ट जो है आपको शनि का बहुत अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भी क्योंकि एक चीज़ बस आपके साथ अच्छी है कि आपके जो गुरु हैं आपकी राशि के 5th हाउस के स्वामी बनते हैं वो आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं, उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। राहु 30 नवंबर से आपके 8th अष्टम भाव में आ जाएंगे, शनि जो कि 7th भाव से गोचर कर रहे हैं वैवाहिक जीवन को परेशानी में डालने वाला है ये, यानी आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ या लाइफ पार्टनर से आपके संबंध, और दूसरा ससुराल पक्ष, क्योंकि आपका 8th हाउस में राहु आ गए हैं और यहां से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, दूसरा आपको आलस से बचना है। इस दौरान आप देखेंगे ना कि आप बिल्कुल न्यूट्रल फेज में चले गए हैं, किसी चीज़ में मन न लगना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, कोई काम न बन पाना, मेहनत करने के बाद रिजल्ट न मिलना, या कोई काम बिल्कुल लगता है 100% हो जाएगा 99.9% में उसका रुक जाना, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आपके भाग्य भाव में है तो शनि हर बार आपके भाग्य को चैलेंज करेंगे। लग्न में उनकी 7वीं दृष्टि है तो हर चीज़ में नेगेटिविटी आपके अंदर लाएंगे, यानी
आप हर तीसरे चौथे दिन आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, या मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे ख्याल अगर मन में आए तो उनको आपको निकाल देना है। क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं और खासतौर पर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप खुद का अकेला भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी शनि यहाँ पर आपको सपोर्टिव है। इस दौरान अपने बिजनेस में आप कोई ऐसे चेंजेस करेंगे जिसका लाभ हो सकता है अभी तो आपको दिखाई ना दे, लेकिन इन फ्यूचर उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे। शनि की एक दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, भूमि भवन प्रॉपर्टी, इनके लिए शनि कभी कंजूसी नहीं करते। इसके योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज के और योग बन रहे हैं और वो है घर में अशांति। तो घर में नेगेटिव माहौल ना हो इस बात का आपको ख्याल रखना है। माता जो आपकी मदर हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और उनसे आपका कंट्रडिक्शन ना हो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि कुछ मामलों में, क्योंकि यहाँ पर शनि दिशाबली भी हो जाते हैं तो इस वजह से एक्सट्रीम पावरफुल हो गए यहाँ पर शनि। वक्र काल शनि का कुछ बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए, मार्गी काल आपके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर वक्र काल के दौरान शनि और पावरफुल हो जाएंगे और वो जिन भावों में बैठे हैं या जहाँ देख रहे हैं वहाँ का एक्सट्रीम रिजल्ट देने लगेंगे, जो कि सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिंह राशि के लिए एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि भाग्य भाव से गुरु का गोचर करना और भाग्य भाव में शनि की दृष्टि, सेम जैसे मैंने आपको कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए बताया ना कि शुरुआत में जब आप कोई काम करेंगे तो आपको यही लगेगा कि इस काम को मैं ना करता तो ज़्यादा बेहतर रहता, या आपको ऐसा लगेगा कि आसपास जो जिंदगी है वो रुक गई है, ग्रोथ जो है वो रुक गई है। ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, इन चीज़ों को अपने मन में मत आने दीजिए। नेगेटिव ख्यालों से दूर रहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। इस दौरान आपके जो दोस्त हैं रिश्तेदार हैं वो आपको कुछ बहुत अच्छी सलाह नहीं देंगे, या अगर आप उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपका बुरा टाइम चलेगा तो वो लोग आके आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो देखिए आपसे एक चीज़ क्लियर बता दूँ, फोर्थ हाउस में शनि की दृष्टि का मतलब ही यही है कि वो आपसे कह रहे हैं अकेले चलो, और अकेले चलो भी और मैं तुम्हें परेशान भी करूँगा, तब भी तुमको अपना आपा नहीं खोना, हिम्मत नहीं खोनी। तो ये आपको करना है कि आपको शनि का या हनुमान जी का उपाय करते हुए रहना, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। इवन अगर आप हनुमान चालीसा और शिव तांडव स्त्रोत ये कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं, अपनी कुंडली को भी एक बार देख लीजिएगा, तब ये शनि जो सेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ दे देंगे। और या अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में प्रमोशन के लिए तो आप उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा, लेकिन हाँ ये है कि जॉब आपका ये जो टाइमिंग है ये अच्छे से बीत जाएगी। मन में नेगेटिव ख्याल आपके ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। सुखों में वृद्धि करने वाला, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो मार्गी होने के बाद शनि चांस बना देंगे कि आप उनको खरीद सकते हैं, यानी आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए या अपने घर के सदस्यों के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक तो सेवेंथ हाउस है और तीसरी नीच दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, यानी भाग्य को चैलेंज, लग्न में दृष्टि मतलब काम डिले होना, मन में नेगेटिव ख्याल आना, और फोर्थ हाउस में घर का माहौल नेगेटिव होना, इन चीज़ों को आपको कवर करके चलना होगा। तो विष्णु जी की आराधना आपको भी करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 या 11 पाठ आपको डेली करना चाहिए ताकि जो ये गोचर है ये आपको और अच्छे रिजल्ट दे सके। सिंह राशि के बाद अगर कन्या राशि की बात किया जाए तो आपके राशि और लग्न दोनों के लिए शनि कारक होते हैं और शनि का जो गोचर है वो आपकी राशि से सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में हो रहा है। यहाँ पर शनि जब वक्री हुई तो वो सेवेंथ का भी रिजल्ट देने लगे और फिफ्थ का भी रिजल्ट देने लगे। शनि की एक तीसरी दृष्टि जो कि नीच दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, शनि की एक सातवीं दृष्टि आपके बारहवें भाव में पड़ेगी 12th हाउस में, और शनि की एक दसवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों के लिए शनि कारक होते हैं। छठे भाव से शनि का गोचर होना, वक्र हो जाना खराब नहीं था। इस दौरान अपनी मेहनत से आप अपने दुश्मनों के ऊपर, अपने कर्ज के ऊपर, अपने ऊपर आने वाली परेशानियों के ऊपर आप ही हावी थे। ये वो वाला टाइम चल रहा था जिस दौरान आपसे उलझना थोड़ा मुश्किल था, मतलब आपके जो दुश्मन थे वो आपसे पहले भी दब के ही थे, यानी आपसे वो डर रहे थे और आगे भी चल के वो आपसे डरेंगे ही जब शनि मार्गी हो जाएंगे। हाँ, शनि की जो एक दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है क्योंकि शनि खुद छठे भाव में बैठे हैं और जब छठे भाव शनि का गोचर होता है तब यहां पे शनि आराम नहीं करने देते, शांति से नहीं रहने देते। जैसे आप अगर शांति से बैठ जाएं, आपको लगे कि रेस्ट कर लेता हूं या कुछ दिन ऐसा करता हूं कोई काम ना करूं, तो फिर यहां दिक्कत है, फिर शनि यहां आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। छठे भाव से शनि का गोचर आपको तभी ज्यादा अच्छे रिजल्ट करेगा जब आप भी अग्रेसिव रहें कि कोई परेशानी आपके सामने आए तो आपके मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो मैं इसको टैकल कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, तब फिर शनि यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट कर देंगे। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि जो है यह आपको संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाली होगी क्योंकि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो इस दौरान अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपके ऊपर कोई कर्ज था, कोई परेशानी थी, तो वो देखेंगे कि आप अपने अग्रेशन से ही उसके ऊपर हावी हो गए। बारहवें भाव में शनि की दृष्टि कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगी तो इस दौरान आपका पैसा आपके हेल्थ में बहुत खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा अगर कोई मामला है तो उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और कहते नहीं ऑन आई, मतलब देखना सुनना, जिस चीज़ में भी अगर आप जो आपका लीगल एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं उसमें आपको ये देखना है कि
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जानकारी के बिना कानूनी पेपर या किसी भी तरह की चीज़ें आपसे बिना बताए चेंज की जा रही हैं। लाइक आप अपने वकील से मिलने जाइए डेली, या जो भी लीगल एक्टिविटी है, अगर आपने किसी के ऊपर कोई केस किया है या आपके ऊपर किसी ने कोई केस किया है, तो अप टू डेट रहिए कि लीगल एक्टिविटी में क्या क्या चल रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें। मानसिक संतुलन भी अच्छा बना के रखना है, उसके लिए योगा प्राणायाम करना है। मेन आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रख के चलना होगा। दसवीं दृष्टि जो शनि की थर्ड हाउस में पड़ रही है, ये अच्छी है। मार्गी होने के बाद आपके एनर्जी एफिशिएंसी में ये वृद्धि ही करने वाले होंगे। पहले से ज़्यादा आप कैपेबल पाएंगे खुद को, पहले से ज़्यादा आप वर्क कर पाएंगे वगैरह वगैरह। मीन्स ये जो दृष्टि है शनि की तीसरे भाव में, ये कहीं से खराब नहीं है। छठे भाव से शनि की दृष्टि भी अच्छा ही है। कन्या लग्न और कन्या राशि मार्गी हो जाएंगे, वक्री भी थे तब भी आप अग्रेसिव थे, मार्गी हो जाएंगे तब भी अग्रेसिव रहेंगे। लेकिन क्योंकि छठा भाव है, इस भाव को अच्छा तो माना नहीं जाता, और आपके लिए शनि आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, तो ये देखने में आता है कि आप अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा बड़ी और कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। पहला। दूसरा, ये इलीगल एक्टिविटी में आपको शामिल नहीं होना है। मेहनत से जी नहीं काटना है अपना, मतलब आपके ऊपर अगर इस समय ज़्यादा प्रेशर पड़े या आपको ऐसा लगे जानबूझ के मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाला जा रहा है, जॉब में मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, या जानबूझ के उसने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया कि जिससे मुझे खराब लगे, तो कोशिश करिए आप शांत रहिए। क्योंकि जब वो टाइम आएगा, क्योंकि अभी राहु भी आपके सेवन्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, और गुरु जो हैं वो भी आपके एट्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो स्वास्थ्य से संबंधित सबसे ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। और जिन ग्रहों को आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप ये बोल दीजिए, आप शांत रहिए। आप ये सोच कर चलिए कि जो जवाब अभी आप नहीं दे पा रहे, वो जवाब आपकी जगह आपका समय उस जवाब को देगा। तो मार्गी हो जाना कन्या राशि वालों के लिए 40% अच्छा है, माफ़ करिएगा 50% अच्छा है, 50% आपको भी थोड़ा ओवरव्यू की ज़रूरत है। मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का 7 या 11 पाठ डेली करिए, और जिस भी देवी शक्ति की आप पूजा करते हैं उनकी भी आराधना लगातार करते रहिएगा, क्योंकि इस टाइम आपको एनर्जी की और बचाव की ज़्यादा ज़रूरत है। जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो सपोर्ट अभी अच्छे से आपको नहीं मिल पा रहा है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये जो मार्गी काल है ये बेसिकली आपको परेशानियां हटाने वाला तो होगा ही, मींस आप ही दूसरों की परेशानियों के ऊपर हावी होंगे। कन्या राशि के बाद अगर बात करें तुला राशि की, आपके लिए शनि जैसा पंचम भाव से चल रहे हैं तो ऑलरेडी आपने ये महसूस कर लिया होगा इस दौरान, और वक्री होने पर तो ये और परेशान किए होंगे आपको, क्योंकि पंचम भाव में शनि वैसे भी जब राशि से पंचमस्थ चलते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है। वक्री हो गए तो मींस उन्होंने चौथे का रिजल्ट देना शुरू कर दिया, सुख चैन छीन लिया, छठे का रिजल्ट देना शुरू कर दिया, रोग रिपु ऋण, मतलब जो दुश्मन है या जो बीमारियां हैं या जो कर्ज है वो आपके ऊपर हावी होने लगा। शनि की एक दृष्टि आपके सेवन्थ हाउस में पड़ रही है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, एक दृष्टि आपके इलेवेंथ हाउस में पड़ रही है, और एक दृष्टि आपकी सेकेंड हाउस में पड़ रही है। आपके लग्न और आपकी राशि दोनों के लिए शनि कारक होते हैं, लेकिन राशि से पंचम भाव में शनि अच्छे रिजल्ट नहीं करते, चाहे जितना आपकी कुंडली में या आपके चंद्र राशि में कारक हों। तो वक्री हो जाना शनि का आपके लिए अच्छा नहीं था, उससे ज़्यादा बेहतर है शनि मार्गी हो जाएं, कम से कम आप अपनी परेशानियों को टैकल करने लगेंगी। चौथे भाव का जो शनि रिजल्ट देना शुरू कर दिए थे पंचम में बैठकर, कहीं ना कहीं ये घर का नेगेटिव वातावरण दिखाता है, अपने ही पीछा खींचने की कोशिश कर रहे हैं या अपनों से ही वो सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट मिलना चाहिए। छठे भाव का जो रिजल्ट शनि ने देना शुरू कर दिया था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। शनि तीसरी दृष्टि से आपके सेवन्थ हाउस को देखेंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपसे कहा मतभेद या मनभेद आपके लाइफ पार्टनर से आपका ना हो ज़्यादा बेहतर है। एक दृष्टि शनि के एकादश भाव में पड़ेगी, लाभ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि लाभ के रास्ते खोलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, लोग जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, यानी उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है आमदनी के रास्ते वो उनके लिए अच्छे मिलेंगे, बढ़ के मिलेंगे, या वो कोई नए रास्ते खोज लेंगे अपनी इनकम के लिए। शनि की दसवीं दृष्टि जो आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है, वाणी का ख्याल रखना है, परिवार वालों से किसी भी तरह का कोई विवाद से बचना है, और अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चला आ रहा था तो उसमें अग्रेशन नहीं दिखाना है कि आप गुस्से में आकर किसी को कुछ बड़ा बुरा बोल दें। तो वाणी का ख्याल रखना है, अग्रेशन का ख्याल रखना है, और धन की स्थिति भी देखिए, शनि तो वो ग्रह है नहीं जो मैं आपसे बोल दूं कि बस दूसरे भाव में दृष्टि पड़ने लगी शनि की मार्गी होकर तो शनि नोट बरसाने लगेंगे। शनि सब कुछ देते हैं लेकिन धीमे धीमे देते हैं। अब देखिए जैसे तुला राशि या तुला लग्न को ही ले लीजिए, लाभ भाव में शनि की दृष्टि है, लेकिन कितने ही तुला राशि वाले ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमको अचानक बहुत बड़ा धन लाभ हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर अगर आपकी जन्म कुंडली में भी स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो शनि आपको देते सब कुछ है, लेकिन वो इतने धीमे स्पीड से देते हैं कि उन चीज़ों का कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है जल्दी दिखाई नहीं देता।
तो तुला लग्न और तुला राशि आपके लिए जो राहु का गोचर है वो आपके सिक्स हाउस से होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है आपके लिए। और गुरु का गोचर आपके सेवन्थ हाउस में होने जा रहा है, यानी शनि सेवन्थ हाउस में नीचे दृष्टि से देखेंगे और गुरु उसको बचाने की कोशिश करेंगे, यानी आपको परेशानियाँ भी हैं लेकिन परेशानियों से बचाने वाला भी है। गुरु की दृष्टि भी आपके लाभ भाव में पड़ रही है, यानी इनकम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इनकम के सोर्स बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लग्न में गुरु की दृष्टि अच्छी है, क्योंकि गुरु जब लग्न को देखते हैं तो ऐसा इंसान अच्छे डिसीजन, सही डिसीजन ले पाता है और उसके जो मानसिक शांति भंग हो रही है उसमें उसे थोड़ा आराम मिलता है। और तीसरे भाव में जो गुरु की दृष्टि है वो उनकी खुद की राशि है, बढ़िया है, पराक्रम बढ़ाने वाला, छोटे भाई बहनों को उनकी लाइफ में ग्रोथ दिलवाने वाला, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे हम लोग बात शनि की कर रहे हैं तो पंचम भाव में शनि का मार्गी हो जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है कि अभी तक आप अपने जो उपाय आप कर रहे हैं वो उपाय आप कर ही रहे होंगे, और डेली हनुमान चालीसा का 11 या 7 पाठ करना ना भूलें, और हर मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग आपको लगाना चाहिए, जिससे ये होगा कि इससे जो राशि से पंचमस्थ शनि चल रहे हैं इससे थोड़े ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलने लगेंगे। तो ये था तुला राशि और तुला लग्न के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं अगली राशि और अगले लग्न के लिए कि हमको कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर बात वृश्चिक राशि की जाए तो आपकी राशि से शनि का जो गोचर है ये आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है, और आपके लिए भी शनि शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। पॉजिटिव की बात किया जाए तो एक बात तो तय है कि भले आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए शनि कारक नहीं है, लेकिन शनि का है तो ये शश नामक महापुरुष राजयोग ही। और ये बात भी तय है कि ऐसी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको जल्दी न तो दोबारा देखने के लिए मिलेगी, और अभी भी 30 साल बाद ऐसी सिचुएशन बन रही है। चौथे भाव से हम मेन सुखों का विचार करते हैं कि हमारे पास घर कैसा होगा, गाड़ी, बंगला। ज़्यादातर जैसे लोग कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर कोई बहुत अच्छा प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस से गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो वो आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें दे कर ही जाएगा। शनि को क्षेत्र का कारक कहा जाता है, इसलिए फोर्थ हाउस से शनि का गोचर भौतिक चीज़ें, खास तौर पर मकान, अपनी ज़मीन या कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन सुख का मतलब दो तरह से सुख, एक मानसिक सुख और एक भौतिक सुख। भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं, मानसिक सुखों में प्रॉब्लम है। अगर आपको छाती या छाती से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, आपको आपका जो नर्व सिस्टम होता है उससे जुड़ी कोई बीमारी चली आ रही थी, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। फोर्थ हाउस से शनि का गोचर, आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी जन्म कुंडली में भी फोर्थ हाउस डैमेज है या फोर्थ हाउस में किसी पाप ग्रह की राशि है, पाप ग्रह बैठे हैं और उन्हीं का महादशा अंतरदशा चल रही है, या किसी अकारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तब तो आपको और अलर्ट होना चाहिए। यहाँ से शनि मार्गी होकर जब आपके छठे भाव को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, ये अच्छा है, क्योंकि चौथे में बैठ के शनि, इसको शत्रुहंता योग ऐसे ही नहीं कहते, मैंने ये कई कुंडलियों में देखा है, जब भी शनि का संबंध तीसरे छठे भाव से बनता है तो दो कंडीशन ऐसे में देखने को मिलती हैं। एक, आप इंसान की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, उसकी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, वो हो सकता है हारा हुआ महसूस करे, थका हुआ महसूस करे, लेकिन आप उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते, और वो अपने हिम्मत के दम पर सब कुछ पा लेता है, चाहे उसको कितने दुश्मन परेशान करें, चाहे कर्ज उसके सिर में चढ़ा, चाहे उसको कोई बीमारी परेशान कर रही हो, वो हर चीज को पेशेंस से, धैर्य से सॉर्ट आउट कर ही लेगा। एक दृष्टि शनि की आपकी दसवें भाव में पड़ेगी। अब क्योंकि शनि खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ के दसवें भाव को देख रहे हैं, तो वर्क प्लेस में ये जबरदस्त सफलता दिलाने वाला होगा। जो लोग लंबे टाइम से किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे और उनका जॉब क्लियर नहीं हो रहा था, या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब स्विच ना करें, क्योंकि अभी स्थितियां कैसी चल रही हैं, तो जो राहु हैं वो आपके फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके सिक्स्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जॉब को स्विच ना करिए। अगर स्विच करना ही है तो जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हर इंसान के लिए, कि जॉब तभी छोड़िए जब दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो, इस बात की पुख्ता जो है गारंटी हो कि आपके पास दूसरी जॉब है। ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि छोड़ देते हैं फिर इसके बाद साल 6 महीने में दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी, ये कॉन्फिडेंस ना दिखाइएगा। बाकी वर्क प्लेस के लिए ये बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी के लिए होता है, प्रमोशन के लिए होता है, ट्रांसफ़र वगैरह के तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ योग नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ अगर ट्रांसफ़र होता भी है इस दौरान तो आपके ऐसी जगह पर नहीं होगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने के लिए मिलें। मेन आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आपके फिफ्थ हाउस से गोचर करेंगे और फिफ्थ हाउस में मीन राशि है, हालांकि गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में हैं, लेकिन पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम राहु क्रिएट कर सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद उनको आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाना है,
और सबसे बड़ी बात, शनि जब आपके लग्न को देखेंगे अपनी दसवीं दृष्टि से, तो चाहे वो वक्र अवस्था में हो या मार्गी अवस्था में, हाँ ये चीज़ तो है कि जब शनि वक्री हो गए थे तब आपकी परेशानियों को उन्होंने बढ़ा दिया होगा। आसपास चाहे जैसी भी सिचुएशन बनी हो, लेकिन आपकी परेशानियाँ बढ़ गई होंगी, मानसिक शांति आपकी भंग हुई होगी, ये तय है। उन चीज़ों में आपको आराम मिल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति चल रही थी जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे कि टैकल करूँ कैसे, इससे बाहर कैसे निकलूँ, तो रास्ता मिल जाएगा। इस दौरान जब भी शनि आपके वक्री हैं या मार्गी हैं, फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि इस दौरान आप जितनी भौतिक चीज़ें जुटा लें अपने लिए वो आपके लिए अच्छा है, जितनी मेहनत कर लें उतना अच्छा है, और जितना पेशेंस रख लें उतना अच्छा है। शनि का लग्न से संबंध बनाना एक बात तय है कि ये आपको महसूस ये महसूस जरूर करवा देंगे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा लगेगा आपको कि आपकी लाइफ आसपास की चीज़ें स्टक हो गई हैं, बिल्कुल एक जगह रुक गई हैं। ऐसा लगेगा आपको कि कोई जैसे रोक रहा है हमको आगे बढ़ने के लिए। जब भी ऐसे ख्याल आएँ तो इनको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए और ये सोचिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, मुझे आगे जाना है। याद रखिएगा शनि तपाते हैं, मतलब यही परेशानी देते हैं और फिर यही राजा बना देते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए आप, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल या एस्ट्रोलॉजी की कोई खास बात बता रहा हूँ, ये सब जगह आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। ये ऐसा इकलौता ग्रह होता है जो सब परेशान भी सबसे ज़्यादा करते हैं, और जब देने में आ जाते हैं तो इनको मोस्ट वेल्थ देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा, मान सम्मान, रुतबा, ये चीज़ दिया जाता है। चौथे भाव से शनि का गोचर, बस इस एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी काम इस दौरान ऐसा मत करिएगा जिससे आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर आपसे ज़रा सी गलती होगी, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, तुरंत आसपास आपके इस चीज़ का जो है ढिंढोरा पिट जाएगा। मीन्स आप, ये टाइम वो चल रहा है जिसमें आप अपना नाम भी बना सकते हैं अपने चारों तरफ, लोग आपको जानें, आपका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, कोई गलती होगी तो लोग उतनी ही जल्दी बुराई भी करने लगेंगे। आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बातों को सुनिए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मत चलिए, फैसला खुद से लीजिए, क्योंकि शनि के लग्न में दृष्टि है, राहु फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, और कंफ्यूजन में आपको तमाम तरह के लोग तमाम तरह की सलाह देंगे। कोई कहेगा ये छोड़ के ये कर लो, कोई कहेगा वैसा नहीं वैसा कर लो। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो लास्ट में आपको सही लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, वही करिए। वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है और शनि का गोचर फोर्थ हाउस में हो जा रहा है। हनुमान जी की आराधना तो आपको 100% करनी ही करनी है, शिव आराधना भी करनी है हो सके इस दौरान, तो अगर आप करवा सकें, आपका बजट अलाउ करता है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए अपने घर में, खुद बैठिए उसमें, और अगर बजट अलाउ नहीं करता तो फिर खुद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। कुछ सामग्री आपके पास नहीं है तो पानी ले लीजिए, शुद्ध पानी, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए, और श्रृंगी होती है ना, जिस श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, श्रृंगी से खुद बैठकर अभिषेक करिए। कोई मदद के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव सब जानते हैं, आप उनका अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, बेसिकली आपको कोई चमत्कार तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि आपके लिए शनि का मार्गी हो जाना मच बेटर है वक्री होने से। वृश्चिक राशि के बाद अगर बात करें धनु राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली 9 नंबर से शुरू हो रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से शनि का गोचर जो है वो थर्ड हाउस में हो रहा था, थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि वक्री हो गए थे, और अब 4 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। दोनों कंडीशन आपके लिए बेस्ट थी, वक्री हो गए थे तो भी आपके लिए जबरदस्त था, मार्गी हो गए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से बैठ के शनि की तीसरी दृष्टि बढ़ेगी आपके पंचम भाव में, जो कि उनकी नीच राशि दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य में, यानी जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, और दसवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस में जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, शनि का मार्गी हो जाना कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है। जैसे शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ से आपको आपकी जो अभी तक आप किसी काम में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, और आपको लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत करूँगा मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा, मिल भी रहा था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो। तीसरे भाव में शनि एफिशिएंसी बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन कई लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस फील्ड में आगे जाएं तो जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टैब्लिश हो पाएंगे, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। पंचम भाव में शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, वैसे भी धनु लग्न और धनु राशि है, गुरु से प्रभावित लग्न और राशि है, और आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। राहु का गोचर आपके फोर्थ हाउस से होगा वो अलग मैटर है, लेकिन फिफ्थ हाउस में गुरु का गोचर ही बहुत सारी चीज़ों को संभालने वाला होता है, ज्ञान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, आय में वृद्धि। अब शनि का जो तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला होगा। आपने कई लोगों को अपनी लाइफ में देखा होगा, कुछ लोगों को जिनसे आप एक बार मिले, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल है, फिर आप उस इंसान से 3 साल नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, 2 साल बाद आप उस इंसान से मिले, वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, फिर आपको पता चला कि इस इंसान ने तो बड़ी मेहनत किया यार, आपको लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से ये जमीन से उठ के आसमान कैसे पहुंच गया। हमारे जीवन में ऐसा हमें लगता है कि सिचुएशन चेंज होने के लिए बहुत टाइम की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। जब आपकी आँख खुल जाए और आप
अच्छे से मेहनत कर लें तो एक साल भी बहुत है। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एक दो साल भी बहुत हैं अगर आप लग के मेहनत कर लेते हैं। तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके 2025 के मिड तक चलता रहेगा और इस दौरान आप देखिएगा कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में आप अपना 100% दीजिए, आपको 110% उस काम में सफलता देखने के लिए मिलेगी। तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आपके ग्रोथ में वृद्धि हो जाएगी, आपका पराक्रम यानी आपकी मेहनत के साथ आपका भाग्य सपोर्ट करने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि जब आप मेहनत कर रहे थे तो या तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था और मेहनत करने के बाद आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन भाग्य अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, भाग्य वाला काम भी अच्छे से होना चाहिए था, वो चीज़ होने लगेगी। पंचम भाव में जो शनि की दृष्टि है वो नीच राशि की, अब क्योंकि यहाँ गुरु बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि इतनी पावरफुल होती है और उसमें भी जो तीसरी दृष्टि होती है उसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है कि ये रिश्तों में परेशानियां लेकर आता ही है। तो अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो कोशिश करिए कि वो रिलेशनशिप ना टूटे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो बिल्कुल ना टूटे, अपने ईगो की वजह से बिल्कुल ना टूटे। अगर नहीं है, किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं तो वैसे पंचम भाव में गुरु हैं, आप अच्छे ही इंसान से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब टाइम ख़राब होता है तब कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब ऐसा हो कि आपके साथ हमेशा उस इंसान का साथ आपको मिलता रहे, आप अपना भविष्य उसके साथ देखते हो, तब आप शुरू करें रिलेशनशिप। नवम भाव में जो शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है इसमें आपके लिए भाग्य का सपोर्ट तो है लेकिन साथ में आपको पिता का हेल्थ इशू यानी फादर का आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे आपका जो रिलेशन है उसे बेहतर बना के चलना होगा। इस दौरान कोशिश करिए कि आपको भले फादर का सपोर्ट ना मिले लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आप उनके साथ हमेशा खड़े हों। बारहवें भाव में शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से बारहवें भाव को देख रहे हैं, इस दौरान आपके ऊपर हो सकता है मुसीबतें आएँ, हो सकता है आप लीगल एक्टिविटी में फंस जाएँ, हॉस्पिटल्स वगैरह में आपके खर्च हों या इनकम से ज़्यादा आपका खर्च होने लगे, कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास जो आपकी सेविंग है वो भी खर्च हो जाए, लेकिन आप हैंडल सब कुछ कर लेंगे, हैंडल आप सब कुछ कर लेंगे, चाहे आपके ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन उसे आप ही सॉर्ट आउट कर लेंगे बिना किसी के मदद के। ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान छोटे भाई बहनों का रखना है, फादर की हेल्थ का रखना है, धार्मिक बने रहें इसका ध्यान रखना है, कोई भी अधर्म से अलग कोई भी ऐसा काम जो आपके धर्म के खिलाफ हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो अनैतिक हों या कानूनी दायरे में ना आती हों, इल्लीगल हों, आपको इनसे दूर रहना है। यही काम आपको फंसा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। शनि का वक्री होना भी आपके लिए ठीक था, शनि का मार्गी होना भी आपके लिए ठीक था। फिनेंशियल सिचुएशन जो आपकी वित्तीय स्थिति है ये उसको भी सुदृढ़ करेंगे, आपकी एफिशिएंसी में वृद्धि करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, मेहनत का रिजल्ट दिलाएंगे, भाग्य का साथ दिलाएंगे, रिलेशनशिप का थोड़ा सा ख्याल रखिए, फादर का और अपने खर्चों का, तीन चीज़ों में पेशेंस रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। धनुलग्न धनु राशि विष्णु आराधना, पंचम भाव में मेष राशि बनी हुई है, आपको विष्णु आराधना करनी है इस टाइम पे। अब चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चाहे विष्णु जी के मंत्रों का जप करिए, उनके स्त्रोत का जप करिए, उनके मंदिर में उनके दर्शन करने जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि इकलौता हनुमान चालीसा का पाठ मंगल शनि राहु और केतु इन चार ग्रहों को सही करने वाला होता है। इतनी चीज़ें कर लीजिए, आप देखेंगे कि वक्र काल में भी आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और मार्गी होने पर भी आपको इससे फ़ायदा ही देखने के लिए ज़्यादातर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है तो, और अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा है तो आपको ये देखना है। मकर राशि के लिए वैसे भी ये टाइम अच्छा आ रहा है, आपकी राशि से शनि खुद की राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं धन भाव में और वक्री हो गए थे आपके लिए तो बहुत अच्छा नहीं था, मार्गी हो गए हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, देखिए आपकी राशि के ही स्वामी हैं शनिदेव और आपको इस समय साढ़े साती चल रही है, तो साढ़े साती का लास्ट फेज चल रहा है और लास्ट फेज में जब शनि वक्री होंगे तो उनका जब अंतिम चरण होता है तो अंतिम चरण में ये कह लीजिए कि बची कुची कसर भी शनि निकाल लेते हैं, तो इस वजह से वक्र काल में शनि थोड़ा सा आपको परेशान किए होंगे और इसलिए उनका मार्गी हो जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पहला प्लस पॉइंट जो आपके लिए है वो है राहु का तीसरे भाव में गोचर करना। 30 अक्टूबर से राहु आपके थर्ड हाउस में आ रहा है, बहुत अच्छा है। तीसरे भाव से जब भी पाप ग्रहों का गोचर होता है ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला होता है। इसी दौरान इंसान अपने जीवन में बस वो मेहनती हो, मेहनत से उसको घबराता ना हो तो अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेता है, सब कुछ बना लेता है, वो भी अपने हाथ से, यानी उसको कोई भी चीज़ बैठे बिठाए किस्मत से तो नहीं मिलती लेकिन वो हर वो चीज़ अपनी किस्मत को अपने कर्म के बदौलत हर चीज़ वो पा लेता है। तो तीसरे भाव में राहु का गोचर भी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है और चौथे भाव से गुरु का गोचर भी अच्छा होने वाला है। जैसा मैंने आपसे कहा, गुरु जैसा शुभ ग्रह जब चौथे भाव से गोचर करता है तो ये प्रॉपर्टी दिलाने वाला होता है। बहुत सारे ऐसे मकर राशि के लोग जो लंबे टाइम से ये सोच रहे थे हमारे पास कब आएगी प्रॉपर्टी, हम कब कुछ खरीद पाएंगे, हमारा घर भी हो पाएगा कि नहीं, कोई गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं, ये टाइम पीरियड चल रहा है। इस दौरान आप देखेंगे शनि का धन भाव में गोचर करना धन की स्थिति को अच्छा है। अब जैसा आप जानते हैं शनि का एक मूल स्वभाव होता है, मूल नेचर, कि शनि कोई भी चीज़ जल्दी तो देते नहीं है, तो मैं तो आपसे ये कह नहीं सकता
कि शनि मार्गी हो जाएंगे तो बस जैसे ही 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे तो 5 नवंबर से पैसा बरसने लगेगा, ये तो केवल ख्याली पुलाव है। बात यह है कि शनि मार्गी हो जाएंगे, 2025 के मिड तक शनि को इसी राशि में रहना है। शनि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा कर देंगे। यहाँ से शनि की पहली जो दृष्टि है वो पड़ेगी नीच दृष्टि आपके चौथे भाव में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में जहाँ ये 5 नंबर लिखा हुआ है, और एक दृष्टि पड़ेगी आपके इनकम हाउस में। देखिए धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, एकादश भाव को देख रहा है, इसे महाधनी योग कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। गुरु जो कि आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस के बाद गुरु जब 5th हाउस में जाएंगे वो कंडीशन भी आपके लिए अच्छी होगी। हालांकि गुरु आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, लेकिन गुरु नैसर्गिक सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं, तो ये रिजल्ट अच्छा ही है। अब देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि शनि का जो वक्र काल था ये आपको बड़ा परेशान किया, अब ही ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। बात ये है कि आपको 7.5 साथी का लास्ट फेज चल रहा है, तो कुछ चीज़ें जो 7.5 साथी के दौरान मिलती हैं वो तो आप देखें ही देखे होंगे। परेशान होना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, पैसा खर्च हो जाना, आपके ऊपर लोगों का इल्ज़ाम लगा देना या आपको गलत ठहराना, आपसे पूरे परिवार की उम्मीदें हो जाना, परिवार का बोझ कंधों पर हो जाना, अपने लिए पैसा ना बच पाना, ऐसी चीज़ें तो आपने नोटिस किया होगा। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी तो यही है। पहली स्ट्रेंथ क्या है मकर राशि की? पहली स्ट्रेंथ है मकर राशि के लोगों का मेहनती होना, दूसरा गुप्त होना। ऐसे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, इन लोगों का नेचर जो होता है वो बड़ा सीक्रेसिव होता है, और ऐसे लोग अपनी चीज़ें भी जल्दी दूसरों से बताना पसंद नहीं करते। दूसरे भाव में शनि का गोचर, तीसरी दृष्टि जो चौथे भाव में पड़ रही है, केवल ये थोड़ा सा परेशान करने वाली है। हालांकि उधर गुरु गोचर कर रहे हैं तो वो काफ़ी चीज़ें संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ शनि की नीच दृष्टि है, और जैसा मैंने कहा शनि की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है, तो घर में आपके कलह का वातावरण ना हो। याद रखिएगा इंसान जो होता है वो बाहर की कोई भी लड़ाई जीत सकता है अगर उसके घर से उसका सपोर्ट है। अगर उसे घर से ही सपोर्ट नहीं है, घर वाले ही उसे गलत समझते हैं या उसे सपोर्ट नहीं करते, तो बाहर चाहे उसकी कितनी भी अच्छी लाइफ हो वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा। मतलब उसे बाहर वो छोटी छोटी परेशानियों में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। चौथा भाव है आपका अपना घर, यहाँ का सपोर्ट होना जरूरी है। तो घर में कलह का वातावरण ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर वालों के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, घर वालों के लिए कर सकें, आप करिएगा, घर में शांति बनी रहे। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि कई बार अचानक धन लाभ वाली होती है, लेकिन ये अचानक धन लाभ वैसा धन लाभ नहीं होगा कि आप सोचें कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे आपको प्रॉफिट हो जाए। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, इसमें आपकी मेहनत के बदौलत ही आपको धन लाभ होगा, और अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन वैसा नहीं जैसा राहु करते हैं, उस वो मत सोचिएगा राहु वाला ये धन लाभ नहीं है। हाँ, धन लाभ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और स्ट्रगल पड़ेगा इस समय, ये याद रखिएगा आपको, कि शनि भले मार्गी हो गए हैं लेकिन तब भी आपको अब मेहनत कम नहीं होगी। मेहनत ये आपके कंधों में लादते ही जाएंगे। पहले अगर 2 घंटे मेहनत करा रहे थे तो अब 3 घंटे मेहनत कराएंगे। तो जब भी शनि इतनी ज़्यादा मेहनत कराएं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमको बस उफ नहीं करना। मतलब हमें ये नहीं बोलना भगवान से कि तुम हमको हमसे आप इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं। आप बस ये सोचिएगा कि आज जो ये मेहनत कर रहा हूँ इसका 10 गुना रिजल्ट कल मिलेगा, और आप देखिएगा रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। 11वें भाव में शनि की दृष्टि नो डाउट बहुत अच्छी होती है इनकम की, इनकम के लिए। इस दौरान आप चाहे जैसा कर्म कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, राजनीति में हो, हर काम में आपके इनकम के सोर्स तो आपको मिलेंगे, और मल्टीपल इनकम के सोर्स आप बनाएंगे भी, क्योंकि धन भाव का स्वामी 11th हाउस को देख रहा है, तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम ऐसी बढ़ेगी कि आपके पास दोनों तरह से पैसा आएगा, प्रॉपर्टी फॉर्म में भी और कैश फॉर्म में भी। तो बस आपको मौके नहीं खोना है, पेशेंस बनाकर रखना है, घर की स्थितियाँ जो हैं उनको आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, राहु का गोचर आपके 3rd हाउस से होने जा रहा है, जो कि तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस दौरान अगर कोई नया काम शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। किसी के भी ऊपर या किसी भी कागजात पे अचानक से भरोसा मत करिएगा कि ऐसा है तो सही ही होगा, ये मत सोचिएगा। करिएगा वही जो फिर लास्ट में आपको लगे कि ये हमारे हिसाब से सबसे सही डिसीजन है और ऐसा ही होना चाहिए, वही करिएगा। यानी किसी दूसरे की केवल सुनना है, करना वही है जो आपको लास्ट में लगता है कि सही है। मकर राशि, मकर लग्न, शनि की 7.5 साथी उतरती हुई हनुमान जी, हनुमान जी की जैसी पूजा कर सके, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, संकट मोचन का पाठ हो गया, हनुमान जी को चोला चढ़ाना हो गया, मंगल शनिवार हनुमान जी को भोग लगाना हो गया। अगर आप आसपास किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपको बंदर मिल जाएं तो उनको खाना खिलाना, भले आप हफ्ते में एक दिन कुछ ले जाइए, जितना आपका बजट है तो ले जाइए, उन्हें खाना खिलाइए। जितनी ये चीज़ें आप करेंगे आप देखेंगे आपको 7.5 साथी का रिजल्ट, यानी 7.5 साथी जो आपको परेशान कर रही है वो भी आपको परेशानियाँ कम होती दिखने लगेंगी, और इसके साथ आपके काम भी बनने लगेंगे। सिर्फ हनुमान जी की आराधना करिए, शनि का मार्गी होना आपके लिए बेहतर है, अच्छा है।
अगली राशि की अगर बात करें कुंभ राशि, आपकी राशि में ही शनि गोचर कर रहे थे और आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि शनि का वक्री होना कुछ बहुत बुरा नहीं था। शनि जब वक्री हो गए थे तो और पावरफुल हो गए थे, अच्छा था। मार्गी हो गए हैं तो भी आपको कुछ सोचना नहीं है। ये स्थिति कुंभ लग्न और कुंभ राशि, आपकी राशि के ऊपर ही शनि का गोचर है, आपको 7.5 चल रही है, सब कुछ मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा जो मौके जो ग्रोथ आप इस दौरान कर लेंगे वो ग्रोथ आप हमेशा मिस करेंगे। शनि 30 साल बाद अपनी राशि में आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं और अब जो भी आपकी उम्र है उसमें 30 साल और जोड़ लीजिए, दोबारा आपको ये तब देखने के लिए मिलेगा। तब कैसी स्थिति होगी आप ही जानते होंगे। तो कुंभ लग्न कुंभ राशि आपके लिए शनि का मार्गी होना भी बढ़िया है। तीसरी दृष्टि शनि की तीसरे भाव में पड़ेगी जो कि उनकी नीच दृष्टि है, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी और दसवीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में पड़ेगी। तीनों ही दृष्टियाँ अच्छी हैं। अब देखिए यहाँ पर भी शनि की नीच राशि दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, लेकिन फिर भी यह अच्छी है। ये पराक्रम को बढ़ाने वाली है, मेहनत को बढ़ाने वाली है, मेहनत का लाभ दिलवाने वाली है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता दिलाने वाली है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने वाली है, धन की स्थिति को अच्छा करने वाली है, नए मौके देने वाली है और मौक़ों में आपकी सफलता हो ये देने वाली है। सप्तम भाव में जो शनि की दृष्टि है मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, 110% डिस्टर्ब करेगी। अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं है, आपकी अपनी कुंडली में स्थितियाँ अच्छी हैं, तो फिर आपके जो जीवन साथी हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ को ये इफेक्ट करेगा। तो कोशिश करिए कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ में कोई इशू होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दसवें भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है मार्गी होने के बाद भी, ये आपके कार्यक्षेत्र में आपको हमेशा लाभ ही देंगे। इस दौरान वर्क प्लेस में चेंजेस होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु आपके राशि से दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस से गोचर करके वो भी दसवें भाव को देखेंगे। शनि और राहु दो मोस्ट पाप ग्रह और मतलब बड़े ग्रह हैं जो एक राशि में थोड़ा लंबे टाइम तक रहते हैं, जहां शनि किसी भी चीज़ को बहुत धीमा धीमा देते हैं और राहु किसी भी चीज़ को अचानक से देने के लिए जाने जाते हैं। तो इस दौरान कई बार ऐसे योग बनेंगे कि आपको लगेगा बस तुरंत ये चेंज कर लूँ, तुरंत ये चेंज कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। उसी से आपको बचना है कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, अचानक आपको सुनने में आता है कि अरे हमको तो इससे अच्छी जॉब ऑफर हो रही है, आपने सोचा चलो इसको छोड़ता हूँ फिर इसके बाद वो ज्वाइन कर लूँगा एक महीने बाद, आप फंस जाएंगे। या तो जॉब मत चेंज करिए, किसी से कोई बात, किसी ने कोई बात आपसे कही कि चाहे किसी के खिलाफ कही हो चाहे किसी के बारे में कही हो, तुरंत उस पर भरोसा ना करिए, तुरंत किसी का भरोसा करके कोई एक्शन ना लीजिए। जो काम आप कर रहे हैं इसी काम में आपको कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना है। हो क्या रहा है कि शनि आपके दशम भाव को देख रहे हैं, ये कार्यक्षेत्र में आपको लगातार ग्रोथ देंगे, लेकिन राहु भी आपके दशम को देख रहा है, वो चेंज कराने की कोशिश करेगा, वो तो कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करने की। तो आपको क्या करना है, आपको शनि को चुनना है। देखिए राहु आपके लग्न के लिए कारक है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी मूल त्रिकोण राशि में शश नामक महापुरुष राजयोग लगा के 10th हाउस को देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये आपके लिए अच्छा होना ही होना है। तो आप शनि की तरफ जाइए, यानी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और किसी भी चीज़ को आराम से सोच समझ करने के बाद करने की कोशिश करिए, अचानक से चेंज मत करिएगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि अच्छा है, गोचर जबरदस्त होने वाला है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना, गोचर अच्छा है आपके लिए। हनुमान जी की आराधना करते रहना है, एक हनुमान जी एक विष्णु जी, दोनों की आराधना करते रहिए। यकीनन ये जो 7.5 चल रही है, देखिए अपना प्रभाव तो वो देगी ही, टेंशन एंजाइटी कंफ्यूज होना या नकारात्मकता आना, आलस आना और कभी कभी ये लगना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या हम लायक नहीं हैं, ऐसे जो खराब ख्याल आपके दिमाग में हैं उनको हटा दीजिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त है, जीरो से हीरो बनाने वाला ये गोचर मार्गी शनि होने जा रहे हैं, आपको टेंशन या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए और बड़े गोल बड़े उद्देश्यों की तरफ फोकस करिए, आपको वो मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें अगर नज़रअंदाज करनी पड़े आगे बढ़ने के लिए तो उन्हें नज़रअंदाज करिए, पेशेंसफुल रहिए, धैर्यवान रहिए और आसपास जो लोग हैं उनको भी कोशिश करिए कि वो भी हाइपर ना हो पाए, और जितना हो सके उतना दूसरों की भी मदद करिए। और इस दौरान आपकी तो कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि आपकी राशि से शनि गोचर कर रहे हैं, तो वो ये तो आपको एहसास करा देंगे कि मदद करने वाला कोई नहीं है, अकेले आप ही हैं, लेकिन आप जिनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद ज़रूर करिएगा। लास्ट राशि मीन राशि जो है, आपके लिए शनि का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, आपको 7.5 का फर्स्ट फेज शुरू हुआ है और शनि वक्री हो गए थे, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं था, और शनि मार्गी हो गए हैं इसके भी अभी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ से बैठ के शनि की एक नीच दृष्टि पड़ेगी आपके सेकेंड हाउस धन भाव में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके माफ़ करिएगा 6th हाउस में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, और एक दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। जब शनि की 7.5 की शुरुआत होती है तो ये परेशान करने वाली होती है। इस दौरान इंसान को पता चलता है कि एक्चुअली ये दुनिया है कैसी, तब इंसान को अचानक से, क्योंकि शनि जब 12वें में आते हैं तो वो पहले ही दृष्टि धन में डालते हैं, तो धन खर्च कराना शुरू कर देते हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं वो खर्च होने लगेंगे, या कोई ऐसा खर्च आपके सामने आ जाएगा कि आपने जो पैसा बचा के रखा है वो खर्च हो जाए। सब 6ठे में दृष्टि डालते हैं तो जिनसे कोई लेना देना नहीं है वो भी दुश्मनी भुनाने के लिए आ जाते हैं, आप किसी कर्ज में हैं तो और फंस जाते हैं, या हेल्थ इशूज़ आने लगते हैं। और भाग्य में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य के साथ
पीछे खींचने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमें दुनिया का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल ये शनि का शुरुआती स्टेज होता है जब वो आपको ये एहसास कराते हैं कि इस दुनिया में जो हम सोचते हैं वो सही नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से ये दुनिया कुछ और है। तब यहाँ से इंसान को ये एहसास होना शुरू होता है कि जो कुछ करना है मुझे खुद करना है, अब मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे पैसा भी बचाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना पड़ेगा, अपने दुश्मनों से भी खुद निपटना होगा, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए खुद ही मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, और भाग्य के भरोसे अब मुझे नहीं बैठना है। यही सारी सेम चीज़ें आपके साथ भी हैं। एक चीज़ बस जो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धन भाव में गुरु का गोचर होना, गुरु आपके दसवें भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे, और शनि भी बारहवें भाव से गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये गोचर उनकी खुद की राशि का है। अब जब कोई ग्रह खुद की राशि से गोचर करता है तो हर चीज़ में वो रियायत करता है, आपको शनि उतना तो परेशान नहीं करेंगे जितना वो उस लग्न या राशि को कर सकते थे। अगर वो यहाँ पर मंगल की राशि में या नीच राशि में होते फिर इसके बाद परेशान करते, वो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लो लेवल की होती। तो आप ये देखिएगा कि भले आपके पास परेशानी आ जाए, आप स्ट्रगलिंग हो, आपको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि हर चीज़ लास्ट में आप ही को करनी है और आप कर ले जाएंगे। शुरुआत में आपको अपनी छोटी छोटी मुसीबतें जो पहाड़ जैसी समझ में आ रही हैं, लास्ट में आप ही इनको टैकल करेंगे और आप ही इनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, आपको भी यही कहूँगा, परेशान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस बात को समझ लीजिए। कोई लग्न हो, कोई राशि हो, कैसा भी समय हो, परेशान होंगे तो सिर्फ अपने को ही नुकसान पहुँचाएंगे। इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा किसे फ़र्क पड़ेगा, या तो आपके अपनों को फ़र्क पड़ेगा या आपको फ़र्क पड़ेगा, बस उन्हीं से मतलब रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए, हर बृहस्पति और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, तब आप देखेंगे कि आपको ये साढ़े साथी और साढ़े साथी के साथ शनि का प्रभाव भी नेगेटिव की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये था 12 लग्न और 12 राशियों के लिए शनि के मार्गी होने की स्थिति। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।